हेलो दोस्तों, यम्मी मेकर में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है अफगानी एग करी। ये देखने में जितनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी है। और बनाने का तरीका नॉर्मल एग करी से बिल्कुल अलग और बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अफगानी एग करी। मैंने 6 अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। अब एक चाकू की सहायता से मैं इस तरीके से अंडे के ऊपर कट लगाती जाऊंगी। हमें कट एक ही तरफ लगाना है, दोनों तरफ नहीं, नहीं तो अंडा जब हम डालेंगे फ्राई होने के लिए तो ये टूट जाएगा। हमें बस एक ही तरफ इस तरह से इसको कट लगा लेना है, बिल्कुल इस तरह से कट लगाना है कि जब हम इसे ग्रेवी में डालें तो ग्रेवी इसके अंदर तक चली जाए। अब एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच में डाली हूँ लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच नमक। मसालों को थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेते हैं। अब बॉईल किए हुए अंडों को एक एक करके इसमें डाल देंगे। अंडों को लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि जो अंडे हैं वो हर तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अंडों को फ्राई करते समय गैस को मीडियम रखिएगा, नहीं तो जो मसाले हैं वो नीचे से जल जाएंगे। अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। अब एक पैन में 1 बड़े चम्मच के करीब तेल लेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, इसके साथ ही इसमें डालेंगे 8 से 10 कलियां लहसुन के, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 मैंने काजू लिया है इसको भी इसमें डाल देते हैं और इन सभी को चलाते हुए थोड़ी देर तक हमें भून लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च कटी हुई। मिर्च को भी इन सब के साथ थोड़ी देर तक भून लेते हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि जो प्याज अदरक लहसुन है उसका कच्चापन निकल जाए। अब प्याज और काजू अच्छे तरीके से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप के करीब पानी। इसे एक बार मिला लेते हैं। अब मैं इसे ढक के इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 2 से 3 मिनट का समय हो गया है और काजू और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका पानी भी सूख गया है। एक बार इसको चला लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी जल जाए। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे जार में ले लिया है पीसने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप हरी धनिया। अब बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाए इसके लिए डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी और पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, 6 से 7 टुकड़े लौंग के और 1 छोटा चम्मच जीरा। सभी खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए तेल में भून लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और प्याज वाला पेस्ट। जल्दी से इसे तेल में मिला लेते हैं और थोड़ी देर तक इसको भूनते हैं। इस पेस्ट में काजू भी है, जब इसे हम भूनेंगे तो काजू में से भी तेल निकलेगा। अफगानी अंडा करी और टेस्टी बने इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर डालने से अफगानी एग करी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, इसके साथ साथ जो इसकी ग्रेवी है वो भी बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बनती है। अंडा करी का जो पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है, राइट साइड से तेल भी निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच में डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर,
आधा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और थोड़ी देर तक इन्हें भी भून लेते हैं। भुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस 1.5 से 2 मिनट का ही समय लगेगा। मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच दही। इसे अब जल्दी से मसाले में मिला लेते हैं ताकि जो दही है वो फटे नहीं, और गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो। दही बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाले में मिल चुकी है, इसे ज्यादा देर और नहीं भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच क्रीम। आप चाहें तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रीम को भी जल्दी से इसमें मिला लेते हैं और गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। क्रीम भी अच्छे तरीके से मसाले में मिल चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने भून के क्रश कर ली है। इसको इसमें डाल देते हैं और मसालों के साथ इसे भी मिला लेते हैं। मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब पानी। ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी लटपटी ही खाने में अच्छी लगती है। पानी को भी मसाले में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया, इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। ग्रेवी एकदम अच्छे तरीके से पक चुकी है, इसको एक बार चला लेते हैं। ऐसी थिक ग्रेवी हमें चाहिए थी, बिल्कुल वैसे बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे। अंडों को ग्रेवी में अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अंडों को ग्रेवी के साथ हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक इसे हमें पकाना है। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया है, इसको एक बार अच्छे से चला लेते हैं। इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसलिए गैस को कर देंगे बंद। लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ हरी धनिया। धनिया को अच्छे से मिला लेते हैं ग्रेवी में। अफगानी अंडा करी बिल्कुल बनके खाने के लिए तैयार है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है एकदम डिफरेंट स्टाइल की अफगानी अंडा करी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।